द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य चुनाव जीतते ही राजस्थान में मीट मछली की दुकानें बंद करवाने के लिए सड़कों पर मचल उठे थे, खूब बवाल काटने लगे थे। हालांकि उनकी हेकड़ी उस वक्त भी निकली थी, लेकिन एक बार फिर से बाल मुकुंद आचार्य ने अपनी हरकतों से बवाल करा दिया है। मुस्लिम छात्राएं थाना का घेराव किए हुए वहां नारेबाजी कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। हुआ क्या है? दरअसल बाबा जी ने ऐसी हरकत एक स्कूल के कार्यक्रम में जाकर कर दी है, जिसके बाद मुस्लिम छात्राओं ने उनके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। पूरा जयपुर हिजाब हमारी शान है, हिजाब हमारी जान, बाबा माफी मांगेगा के नारों से गूंज रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्या है, पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन जरा अपने स्क्रीन पर यह प्रदर्शन के विजुअल तो आप देख ही रहे हैं, या अभी भी देखिए कि यहां नारेबाजी जोश क्यों है, क्यों नहीं बाबा बाल मुकुंद आचार्य पर ऐसी हरकतों के चलते कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो में जो कुछ हो रहा है हम सीधे तौर पर आपको दिखाते हैं, ताकि आप समझें कि यह गुस्सा का स्तर कितना बड़ा है। तो देख लिया आपने, इस वीडियो में चल रहे प्रदर्शन के बाद निश्चित तौर पर बाल मुकुंद आचार्य को बैकफुट पर आने की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि भाजपा ऐसे विधायकों को खूब बढ़ावा देती आई है जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करते हैं। लेकिन किसी भी विधायक को हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने के नाम पर दूसरे के धर्म और उनकी भावनाओं को आहत करने का ठेका नहीं मिल जाता है। ऐसे में नरगिस मानो ने इस वीडियो को शेयर करते हुए जो लिखा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। जयपुर में हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी, हिजाब हटवाने और जय श्री राम का नारा लगवाने का आरोप है। मुस्लिम लड़कियों के हिजाब हमारी शान है के नारों से गूंजा है जयपुर। निश्चित तौर पर ये आवाज सुनाई पड़ेगी, ये प्रदर्शन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अब जब आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो हर धर्म के प्रति आपका नजरिया समान होना चाहिए। आप हिंदू हैं, हिंदुत्व ठीक है, लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं होता है कि आप धार्मिक भावनाएं भड़काने और उन्हें आहत करने का काम करेंगे, वो भी जब एक अतिथि के तौर पर किसी स्कूल में आपको बुलावा भेजा जाएगा। और बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य का तो हिस्ट्री है, ये ऐसी हरकतें करते आए हैं। अब इस बार मुस्लिम छात्राओं से पाला पड़ गया और इन्होंने इनकी हेकड़ी निकालनी शुरू कर दी है। थाना घेराव कर किसी विधायक के खिलाफ इस कदर प्रदर्शन, वो भी छात्राओं के द्वारा, यह अभूतपूर्व भी मालूम पड़ता है। आइए जरा जी न्यूज पर इसकी रिपोर्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। एमएलए बाल मुकुंद आचार्य पर फूटा छात्राओं का गुस्सा, सुभाष चौक पर लगे बाबा माफी मांगेगा के नारे, प्रदर्शन का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये पुलिस थाना आपको दिखाई पड़ रहा है, सुभाष चौक, इस तस्वीर में स्पष्ट तौर से आप देख भी सकते हैं। हम इसके खबर में चलते हैं ताकि पता चल सके कि कहां की घटना है, क्या हुआ था, सब समझ में आएगा। यहां लिखा हुआ है कि जयपुर से इस वक्त विधायक बाल मुकुंद आचार्य को लेकर बड़ी खबर है। एक स्कूल के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान को लेकर बाबा चर्चा में आ गए। छात्राएं विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रही है। विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाबा के बयान के बाद छात्राएं थाने का घेराव कर रही हैं। पुलिस के आला अधिकारी कर रहे छात्राओं से समझाइश का प्रयास, लेकिन क्या इसका असर पड़ने वाला है? अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं, वहां जाकर जब हर धर्म की छात्राएं छात्र पढ़ाई करते हैं, तो वहां आप धार्मिक नारे लगवाएंगे? आप वहां किसी दूसरे धर्म के छात्राओं को भी कहेंगे कि आप जय श्री राम बोलिए? अब आपकी आस्था है, हमारी आस्था है, या सबकी आस्था, कैसे हो सकती है?
इसको लेकर भाजपा विधायकों को सचेत रहने की जरूरत थी, लेकिन बाल मुकुंद आचार्य कहां सचेत रहते हैं। उन्हें लगता है कि हर जगह सिक्का तो उनका ही चलना है। राजस्थान में वैसे भी अब भजन लाल की सरकार है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कहीं भी जाकर अपना भजन शुरू करेंगे। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि सोमवार को राजधानी जयपुर के गंगापोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं सड़कों पर उतरी और सुभाष चौक थाने का घेराव किया। थाने का घेराव करते हुए इन छात्राओं ने जबरदस्त नारेबाजी की, स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। गुस्सा तो आना ही था, क्योंकि हरकत ही ऐसी है। देश में राम राज की बात कही जाती है, राम राज सुख समृद्धि और शांति का राज है, मर्यादा का राज है, लेकिन राम राज में ऐसी स्थिति होगी कि हिंदुत्व के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर आप कहीं भी जाकर बवाल काटने लगेंगे, किसी की भावनाएं भड़काएंगे। इसको लेकर ही तो आक्रोश है। छात्राओं का क्या कहना है, जरा देखते हैं इसी रिपोर्ट। छात्राओं ने कहा कि एनुअल फंक्शन के मौके पर हम लोगों की तरफ से स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य को बुलाया गया था और उन्होंने यहां पर आकर हमारे हिजाब को लेकर बातें की, धार्मिक नारे लगवाए, यह हमें कतई मंजूर नहीं है। हिजाब को लेकर टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? हिजाब को लेकर आपने देखा कि कर्नाटक में जब भाजपाइयों ने, भाजपा की सरकार ने बवाल कराया, तो उसके बाद वहां पर कॉलेजों में, स्कूलों में हिजाब बैन कर दिए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां भी फैसला बटा हुआ आया। तो जरूरत क्या है कि ऐसे विवादों में हाथ डालने की, ऐसे बयानबाजी करने की जिससे बार बार मुसलमानों की भावनाओं को आप आहत कर देते हैं। यहां से देखिए, कहा जा रहा है कि शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुसलमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्राओं का कहना है, हम लोग बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तीन छात्रों के साथ साथ उनके परिजन भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और कार्रवाई की मांग करने लगे। इस दौरान पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहीं समझाइश का दौर जारी रहा, लेकिन छात्राओं का कहना था कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक हम लोग यहां से जाने वाले नहीं हैं। मतलब यह विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। बाल मुकुंद आचार्य एक ऐसे विवादित नेता हैं, जब राजस्थान में चुनाव जीते तभी उतर गए मैदान में, बवाल काटने लगे, और ऐसे में अब इनके खिलाफ स्थिति यह हो गई है कि थाने का घेराव हो रहा है, और थाने का घेराव जब होता है तो असर दिखना भी चाहिए। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री, क्या भाजपा सरकार अपने इस विधायक पर लगाम कसने के कोई प्रयास करने वाली है, या फिर ऐसे ही इनका तूती बोलता रहेगा, ये किसी स्कूल में जाकर उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे, मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पर टोका टिप्पणी करेंगे, और इतना ही नहीं, श्री राम के नारे लगवाकर स्कूल में जानबूझकर छात्राओं में भेदभाव करने, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करेंगे। ये तमाम सवाल इस वक्त उठ खड़े हुए हैं। क्यों नहीं राजस्थान हो या फिर हरियाणा जैसे राज्य हो, जहां पर हर वक्त ऐसे माहौल बिगड़ने के चांसेस रहते हैं, वहां शांति की बात, वहां प्रदर्शन ना हो। इसलिए जरूरी भी है कि बाल मुकुंद आचार्य हो या ऐसे जो भी भगवाधारी हैं, चाहे कट्टरपंथी हिंदुत्व तो विचारधारा के लोग हैं, वो नफरत फैलाने की बजाय संजीदगी से काम लें, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे BJP का वह विधायक हो या किसी हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ हो, उन्हें नफरत फैलाने का कोई अधिकार नहीं है और ना होना भी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The Life TV, सच सबसे आगे।